टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज इसरो वर्सेस नासा के बीच में कंपैरिजन होने वाला है। अगर आप इसे सोच रहे हो तो आप सही। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देता हूं कि मैं एक स्पेस लवर हूं और पर्सनली किसी भी स्पेस एजेंसी को हेट देना नहीं चाहता। और अंग्रेज के लिए दिस वीडियो इज मेकिंग फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, डोंट टेक इट एज ए सीरियस। सबसे पहले इसरो एंड नासा का जन्म कुंडली खंगालते हैं। इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शुरुआत हुआ था 1969 इन कंपैरिजन टू नासा जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका शुरुआत हुआ था 1958 पर, जो कि हमारे से 11 साल पहले। ये देख सकते हो नासा का पहला रॉकेट जिसका नाम है बम्पर वन, इसको कैरी किया है एक भारी भरकम ट्रक। लेकिन इसरो को ये तक नसीब नहीं हुआ, इसीलिए रॉकेट को ट्रांसपोर्ट साइकिल से करते थे और मिशन को अंजाम देते थे। लेकिन इसरो वो करके दिखाया जो कि कोई देश आज तक नहीं किया था। अरे क्या कह रहे हो, नासा भी तो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को छोड़ के इतिहास रचा है। लेकिन नासा वालों, भले ही तुम सुदूर अंतरिक्ष में कदम रख चुके हो, लेकिन आपने शायद बाल गणेशा नहीं देखा है। उसमें कार्तिकन गणेश जी का कंपटीशन होता है। वो ये था कि विश्व का 3 चक्कर जो पहले लगा कर आएगा वो विजेता बनेगा। लेकिन गणेश जी ने क्या किया कि माता पिता के 3 चक्कर लगाए। इसमें माता जो कि पृथ्वी और पिता जो कि सूरज, और गणेश जी यहाँ पर है आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर 2023 को जा रहे हैं सूरज और पृथ्वी के बीच में रह के ऑर्बिट करने। और इतना ही नहीं, भारत का मास मिशन जिसका नाम था मंगलयान जो कि पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेस कर गया, इसका बजट सुन के नासा का चक्कर आने वाला है। इसका कुल बजट है 454 करोड़ रुपए। इसका विपरीत नासा का 23 मार्स मिशन फेल हो गए हैं। नासा को गवर्नमेंट के तरफ से जितना फंडिंग मिल रहा है उतना अगर इसरो को मिलता तो वो नासा जैसा नेशनल नहीं यूनिवर्सल स्पेस एजेंसी बन जाता। और ये तो फिर हमसे 11 साल पहले जन्म लिए हैं, तो काफी डेवलप होना चाहिए। अरे इसरो वाले, तुम क्या जानो हमारे डेवलपिंग के बारे में? हाँ, इसीलिए तो तुमने कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट को बुरी तरह से जला दी। इसमें 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे जिसमें से भारत की साहसी बेटी कल्पना चावला भी थी। हमारे इसरो से कुछ सीखो, गगनयान मिशन इसीलिए लेट हो रहा है क्योंकि इसरो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी को देता है। गगनयान मिशन में 3 स्टेज है, इनमें से पहला 2 मिशन अनक्रूड होगा और आखिर में 3 अंतरिक्ष यात्री को गगनयान मिशन के द्वारा स्पेस तक भेजा जाएगा। और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, इसीलिए तो लूना 25 फेल हो गया। चला था चंद्रयान 3 को टक्कर देने, सीधा क्रैश कर गया मून पे। इसीलिए तो कहते हैं बाप बाप होता है। इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है सब कुछ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। आप किसी भी स्पेस एजेंसी को हेट देने की जरूरत नहीं। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।